जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान था जारी। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की दिखी भीड़। इन पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता थे इंतजाम। एसएसबी और पुलिस बलों की थी तैनाती। मतदान करने परिवार संघ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बोले विकास के लिए करें वोट। पहली बार वोट करने वाले वोटर्स में भी दिखा भारी उत्साह, सभी से की वोट डालने की अपील। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं में उत्साह रहा बरकरार। दोपहर 3 बजे तक 56.1% था मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से रही लोगों की भीड़ व उत्साह बरकरार। 5 बजे तक हुआ था 65% मतदान। हर जगह लोगों ने की पंपर वोटिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान। तीसरे चरण में 40 सीटों पर 415 उम्मीदवारों की किस्मत। तीसरे चरण का चुनाव ही तय करेगा जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। इस चरण में करीब 39 लाख से अधिक वोटर्स। वोटिंग को लेकर नारी शक्ति में रहा उत्साह। सिर्फ 4 घंटे में ही 50% से ज्यादा महिलाओं ने डाले वोट। उधमपुर जिले की चारों विधानसभाओं में मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। तीसरे चरण का मतदान शुरू होने से पहले ही वोटर पोलिंग बूथ में पहुंचना शुरू हो गए थे। वोटिंग को लेकर महिलाओं में भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। नवरात्रि से पहले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, पंजीकरण के लिए अब नहीं लगानी होगी कतार। श्राइन बोर्ड ने कटरा रेलवे स्टेशन सेल्फ रजिस्ट्रेशन बूथ लगाया है। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन पंजीकरण कर आने वाले श्रद्धालु कर सकेंगे। उन्हें बस पंजीकरण का QR कोड मशीन पर लगाना होगा और वेंडिंग मशीन से उन्हें RFID कार्ड जारी हो जाएगा। इसके अलावा कटरा रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधा के साथ पंजीकरण केंद्र खोल दिया गया है।